हेलो फ्रेंड्स, रोज़ा रोज़ कुजीन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी मटर जीरा पुलाव। इसके लिए मैंने गोल्डन सिला 1/2 kg राइस ले लिया है और इसको मैंने 1 घंटे से भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने ड्रेन आउट कर दिया पानी को। और यह है 1 कप ग्रीन मटर धुली हुई है, और यह साबुत जीरा और 1 बड़ी इलायची। अब मैं दिखाती हूँ कैसे बनाना है। एक हंडी में मैंने 1 स्पून ऑयल ले लिया है, आप घी से भी बना सकते हो। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए उसी टाइम हमें साबुत जीरा देना है, 1 स्पून फूल और बड़ी इलायची दे देना है। इसके बाद हमें देना है इसमें ग्रीन मटर, ग्रीन मटर दे दिया मैंने, तो इसको अच्छे से मिक्सअप करना है। अब इसमें डालना है धुली हुई चावल जो मैंने 1 घंटे से भिगो के रखी थी। चावल पूरा मैं डाल दूंगी अब इसमें। पूरी चावल मैंने डाल दिया है और ये एक तेज पात है, इसको भी देना है। अब गैस फुल फ्लेम में रख के अच्छा से मिक्स कर लेना है। 5 मिनट तक हमें इसी तरीके से फ्राई करना है। अब मैं इसी में डालूंगी सॉल्ट, तो सॉल्ट 1 स्पून देके 5 मिनट्स तक इसको इसी तरीके से फ्राई करना है। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट्स हो चुकी है फ्राई करते हुए, अच्छा से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं पानी डालूंगी। पानी डालने का तरीका ये है, चम्मच को इस तरीके से स्टैंड कर दे और इसमें पानी डाले। ये गोल्डन सिला चावल है, बासमती नहीं। बासमती राइस में पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, लेकिन ये गोल्डन सिला चावल है तो इसमें थोड़ी सी ज़्यादा लग जाती है पानी। तो इस तरीके से स्टैंड करके जो चम्मच है इसका हाफ अंदर होना चाहिए और हाफ बाहर होना चाहिए, ये इसका नाप है। तो इसी तरीके से देख करके फिर इसमें अभी मैं लिड लगा दूंगी। जब इसमें अच्छा से उबाल आ जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कवर मैंने दे दिया था इसको, अब मैं इसको हटा रही हूँ। अब देखिए खूब अच्छा से इसमें उबाल आ चुकी है। एक बार आपको चम्मच से देख लेना है कितना ये सॉफ्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ भी नहीं हुआ है। तो अभी होता रहेगा, इसको फिर से मैं लीड लगा दूंगी। जब इसमें बिल्कुल हल्का हल्का बबल रहेगा तब मैं इसका लीड हटाऊंगी, लेकिन बीच बीच में मैं देखती रहूंगी और चम्मच चलाते रहूंगी। फिर से मैं कवर कर रही हूँ। अब मैं लीड खोल के देख रही हूँ, देखिए इसमें छोटा छोटा बबल आ गया है। अब इसमें ज़्यादा पानी भी नहीं है, बहुत ही कम पानी है इसमें और लगभग राइस हो चुकी है, 80% हो चुकी है। तो इसी टाइम हमें करना क्या है, इसको एक कपड़ा लेना है कॉटन की, थिक कपड़ा हो तो अच्छा, अगर नहीं है तो दुपट्टा भी ले सकते हैं, लेकिन कॉटन का होना चाहिए। ऐसे कवर करें, फिर इसको कोई लीड इसमें ऐसे रखे, रख के इस तरीके से ऐसा बांध दे, इधर रबर बैंड हो कुछ भी हो या कपड़ा से ही ऐसा बांध दे। बांध के इसको स्लो फ्लेम में एक तवा के ऊपर 10 मिनट तक दम में रखना है। तो मैं इस हंडी को उतार दूंगी, उतार के मैं तवा चढ़ा रही हूँ। ऐसा एक पुराना तवा हाई फ्लेम में चढ़ा दीजिए, जब ये टच करने से हाथ में गर्मी की एहसास हो तो आप हंडी को चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आपको एकदम स्लो फ्लेम में 10 मिनट तक दम में रखना है, फिर गैस ऑफ कर देना है। लेकिन गैस ऑफ करने के बाद भी आपको हंडी का कवर उतारना नहीं है, 15 मिनट्स ऐसे ही छोड़ के रखना है। दम में देने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। फिलहाल तो मैं इसको 10 मिनट तक दम में रखूंगी। 10 मिनट हो चुकी है दम में रखते हुए, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ
और आपको पता कैसे चलेगा कि दम हो चुकी है? इस जगह पे आपको सुनना है कि चढ़-चढ़ आवाज हो रही है, कान लगाना नहीं है, जस्ट सुनना है। जब आवाज आए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दे, लेकिन इसी तरीके से हंडी को छोड़ दे 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि इसमें अभी हॉटनेस है। तो ये गर्म जब तक इसमें है तो दम अच्छे से और भी हो जाएंगे। फट से इसका कवर लिड नहीं खोलना आपको। 15 मिनट बाद मैं फिर आपको दिखाती हूँ कैसा बना है। 10 मिनट दम में रखने का बाद 15 मिनट मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे गैस के ऊपर। अभी मैं लिड इसका खोल के आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना खूबसूरत चावल बना है, एक एक दाना बिल्कुल खिली खिली से बनी है। मेरे रेसिपी देख के आप लोग घर में ट्राई करें। ये एक स्पेशल रेसिपी है, एक मेरी फ्रेंड्स हैं जिनके रिक्वेस्ट के लिए, बहुत बार उन्होंने रिक्वेस्ट किए थे तो मैंने उनके लिए इसको मैंने आज बनाई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ वो मेरी वीडियो को जरूर देखेगी और बनाएगी। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। जीरा मटर पुलाव रेडी है। मेरी रेसिपी देख के आप लोग एक बार जरूर बनाइए, कमेंट्स करके बताइए कैसे बना है। और आप लोगों को कुछ भी बताना है, पूछना है, अगर आप लोग चाहते हो मैं कुछ और वीडियो बनाऊं तो कमेंट्स में लिखिए। तो मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग अभी तक नहीं किए हैं सब्सक्राइब प्लीज कर दे, और बेल बजाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को इससे मिल जाएंगी। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।